ग्वार पर भी ध्यान डालते हैं, जहां पर अच्छी फसल होने के अनुमान की वजह से ग्वार कीमतों में गिरावट का रुझान अब फिलहाल दिख रहा है। हाल ही में हरियाणा में हुई भारी बारिश से ग्वार की फसल को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा है। एक नजर डालें ग्वार के मौजूदा कारोबार पर, यहां पर किस तरह के प्राइसेस देखने को मिल रहे हैं वो फिलहाल रेट्स आपकी स्क्रीन पर, लेकिन यहां से किस तरह की स्थिति देखी जाएगी उस पर भी एक राय लेंगे। विनायक कमोडिटीज के कमल बंसल हमारे साथ मौजूद है। कमल जी, किस तरह की स्थिति यहां से देखने को मिलेगी, क्योंकि हल्की मुनाफा वसूली अब आती हुई दिखाई दे रही है, क्या यहां से एक मेजर सेल ऑफ में तब्दील होती हुई दिखाई दे सकती है? देखिए, ग्वार जो है उसके अंदर अभी फसलें कोई आना शुरू नहीं हुई है, लेकिन फिर भी ये ग्वार काफी ज्यादा डाउन आता जा रहा है। तो लग ऐसा रहा है कि ये कुछ स्पेकुलेटर की गिरफ्त में है ग्वार इस टाइम पे। बाजारों में इस तरह की मंदी इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं थी अभी तक। अब ये ग्वार यदि लगता है कि 1682 के आसपास यदि 1682 का लेवल तोड़ता है सेप्टेम्बर ग्वार, तो फिर 1600 तक जा सकता है, अदरवाइज यहाँ से एक बार कवरिंग होनी चाहिए। जी कमल जी, काफी मंदी यहाँ पर भावों में ऑलरेडी आ चुकी है। 2170 के भाव हम 22 जुलाई को देख रहे थे, उससे करीबन 20% ऑलरेडी हम यहाँ पर फिसल चुके हैं। आप कह रहे हैं 1682 एक अच्छा लेवल है, लेकिन काफी ज्यादा लोग चैनल पे ही बोल के गए हैं कि 1400-1500 तक के स्तर भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। हाँ बिल्कुल आ सकते हैं, पर इसके पीछे रीजन जो है वो लग रहा है मुझे कि ये प्योर स्पेकुलेशन है। ग्राउंड लेवल पे इतनी को बहुत ज्यादा फसल नहीं है, पिछली बार से जरूर इस साल बारिश अच्छी हुई है और फसल भी ज्यादा है, लेकिन अभी फसल आने में काफी टाइम बाकी है और इसकी डिमांड भी कुछ अभी सर्टन नहीं है, तो इसलिए ये लेवल काफी नीचे लग रहे हैं मुझे। पर स्टिल अभी मंदी की चांसेस काफी ज्यादा है। 1682 तोड़ने के बाद बिल्कुल लगता है कम से कम 1600 तो एक बार आ ही सकते हैं। फसल आपने कहा ज्यादा मंदी मुझे नहीं लगती। कमल जी, फसल आपने कहा कि काफी बेहतर है, पहले जो उम्मीद लगाई जा रही थी वो ये थी कि पिछले साल से करीबन 30% तक कम हो सकती है, लेटेस्ट अनुमान क्या है? नहीं नहीं, इस साल लग रहा है कि वो लग उस तरह पर आता है, जिस समय बारिश कुछ कम हो रही थी तो फसल कुछ खराब होने के चांसेस थे। फसल काफी अच्छी जगह हुई है, गंगानगर है और उस तरह के जो हरियाणा के एरिया है उनमें काफी अच्छी बुआई, पिछले साल से कुछ ज्यादा इस बार बुआई हुई है और अच्छी फसल के चांसेस है।